यूक्रेनी राष्ट्रपति को मारने के लिए पुतिन ने अफ्रीका से बुलाए भारत के सैनिक, हिट लिस्ट में 23 नाम होने का दावा। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में एक बात स्पष्ट है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की सत्ता से राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को हटाना चाहते हैं। इसके लिए वे यूक्रेनी सेना से भी जेलेंस्की को हटाने के लिए कह चुके हैं, लेकिन क्या पुतिन जेलेंस्की की हत्या कराना चाहते हैं? इसको लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कहा जा रहा है यूक्रेनी राष्ट्रपति को मारने के लिए पुतिन ने अफ्रीका से भारत के सैनिक बुलाए हैं। यही नहीं, इन सैनिकों की हिट लिस्ट में 23 नाम हैं जिन्हें मारने का हुक्म दिया जा सकता है। डेली मेल यूके की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को मारने के आदेश के साथ अफ्रीका से खून के प्यासे भारत के 400 मजबूत सैनिक बुलाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 400 सैनिकों का यह दस्ता एक कुख्यात निजी मिलिशिया का हिस्सा है जो बलात्कार, डकैती, हत्या और कथित युद्ध अपराधों से जुड़े हैं। इस मिलिशिया दस्ते का नाम वैगनर ग्रुप बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनके पास क्लिफ्सको ब्रदर्स सहित 23 प्रमुख हस्तियों की हिट लिस्ट है। डेली मेल ने सैन्य विशेषज्ञों के हवाले से लिखा कि व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर ये लोग खून खेल खेलने को तैयार हैं। हालांकि क्रेमलिन यानी रूस ने बार बार इनका खंडन किया है। विटाली क्लिटस्को और व्लादिमीर क्लिटस्को को दुनिया क्लिटस्को ब्रदर्स के नाम से जानती है। दोनों यूक्रेन के पूर्व पेशेवर मुक्केबाज हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जब रूस के खिलाफ आम नागरिकों से हथियार उठाने की अपील की तो दो वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर भाई क्लिटस्को ब्रदर्स अपने देश को बचाने के लिए आगे आ गए। राजधानी कीव में वो मजबूती से डटे हैं। 2004 और 2015 के बीच अपने पीक के दौरान उन्होंने अपने युग के प्रमुख विश्व हैवीवेट चैंपियन और मुक्केबाजी के इतिहास में सबसे सफल चैंपियनों में से एक माना जाता था। 2011 में उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में सबसे अधिक विश्व हैवीवेट खिताब जीतने वाले भाइयों की जोड़ी के रूप में प्रवेश किया। सैन्य सूत्रों के अनुसार पूर्वी यूक्रेन में रूसी समर्थक लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई करने, अनुभवी विशेष अभियान को अंजाम देने और सैन्य प्रशिक्षण में रूसी फोर्स पहले से ही बड़े तौर पर शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इस अफ्रीकी खूनी दस्ते को क्रेमलिन की सैन्य खुफिया इकाई GRU द्वारा संचालित एक बेस पर ट्रेनिंग के बाद दक्षिणी रूसी शहर क्रास्नोडार के पास यूक्रेनी सीमा पर तैनात किया गया है। पुतिन का रसोईया क्या चलाता है भारत का आर्मी? सोमवार को ब्रिटिश सरकार के एक सूत्र ने कहा यूक्रेन में वैगनार ग्रुप की भागीदारी की रिपोर्टें अफ्रीका में उनके पिछले सैन्य हस्तक्षेपों को देखते हुए चौंकाने वाली है। डेली मेल ने द टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि पुतिन का रसोईया कहे जाने वाले रूसी राष्ट्रपति के करीबी सहयोगी येवगेनी प्रिगोजिन द्वारा कथित तौर पर संचालित भारत की आर्मी को 5 सप्ताह पहले अमेरिका में लाया गया और मिशन के लिए एक बड़ी राशि की पेशकश की जा रही है। अब जानते हैं कि लिस्ट में ऐसे कौन कौन से लोग हैं। कहा जाता है ये हाई ट्रेंड ऑपरेटिव रूस से ग्रीन लाइट मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके हिट लिस्ट में यूक्रेन के प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट, कीव के मेयर विटाली क्लिटस्को और उसके भाई व्लादिमीर क्लिटस्को शामिल हैं। हालांकि शनिवार की सुबह यूक्रेनी सरकार के ऊपरी क्षेत्रों में पहुंचने के बाद उनकी योजनाएं चरमरा गई हैं। पश्चिमी देशों के जानकारों के लिए वैगनर ग्रुप के क्रेमलिन के साथ संबंध थोड़ा संदेह में है। पुतिन को खुद क्रेमलिन समारोह में वैगनर सैनिकों के साथ देखा गया है, जिसमें समूह के संदिग्ध संस्थापक लेफ्टिनेंट कर्नल दिमित्री उत्कीन भी शामिल हैं। 2020 में खोजी समाचार साइट बेलिंगकेट ने वैगनर के प्रतिष्ठित बॉस येवगेनी प्रिगोजिन का खुलासा किया, जिसने 8 महीनों में व्लादिमीर पुतिन के चीफ स्टाफ को 99 कॉल किए थे और अक्सर क्रेमलिन में शीर्ष अधिकारियों से बात की थी। क्रेमलिन ने एक बार फिर वैगनर के साथ किसी भी संबंध का खंडन किया है और कहा है कि प्रिगोजिन केवल रूसी सरकार को कैटरिंग सेवाएं प्रदान करता है। वैगनर ग्रुप सीरिया, लीबिया, मोजाम्बिक और मध्य अफ्रीकी गणराज्य सहित पूरे अफ्रीका में लड़ाई में शामिल रहा है। 2019 में एक सीरियाई कैदी की यातना और सिर काटने को फिल्माने वाले एक व्यक्ति की पहचान
स्टेनिस्लाव जी के रूप में की गई थी, जो एक सैनिक था जिसे देश वेगनार द्वारा कैमलिन समर्थित तानाशाह बशर असद को सहारा देने में मदद करने के लिए जाना जाता था। बाद में उस पीड़ित की पहचान स्वतंत्र रूसी समाचार पत्र नोवाया गजेटा ने मोहम्मद ताहा इस्माइल अल अब्दुल्ला के रूप में हुई थी, जो तो एक सीरियाई नागरिक था जिस पर असद के प्रति वफादार सेना इकाई से भागने का आरोप लगा था। क्लिप में एक आदमी को जमीन पर लेटा हुआ देखा जा सकता है और चार आदमियों के एक छोटे समूह से घिरा हुआ है, जो सभी कैंप फ्लॉग पहने हुए हैं। ग्रुप ने पीड़ित की छाती को कुचलने, उसका सिर काटने, उसकी निचली भुजाओं को काटने से पहले उसके पैरों को एक हथौड़े से तोड़ा था। फिर उन्होंने उसकी लाश को उसके पैरों से लटका दिया और शरीर को आग लगा दी। लीबिया में बीबीसी ने वैगनार लड़ाकू के स्वामित्व वाला एक सैमसंग टैबलेट हासिल किया था, जिससे पता चला कि ग्रुप नागरिक क्षेत्रों में अचिन्हित माइंस को छोड़ रहा था। जांच में हथियारों और सैन्य उपकरणों की एक खरीदारी सूची का भी खुलासा हुआ, जिसमें चार टैंक, सैकड़ों कलाशनिकोव राइफलें और एक अत्याधुनिक रडार प्रणाली भी शामिल है। एक सैन्य विश्लेषक ने कहा कि कुछ उपकरण केवल रूस से ही आ सकते हैं। फ्रांस ने डर से वापस बुलाए थे सैनिक। माली में 2400 फ्रांसीसी सैनिक जिहादियों से लड़ रहे थे, लेकिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उन्हें वापस बुलाने का फैसला किया था। कहा जा रहा है ये फैसला वैगनर की माली में उपस्थिति के चलते लिया गया था। मैक्रों को संदेह था भारत के सैनिकों ने माली की सत्ताधारी जनता के साथ एक सौदा किया था। उन्होंने कहा कि वैगनर माली में शिकारी इरादों के साथ आ रहा था, लेकिन क्यों? क्योंकि दो तख्ता पलट के बाद सत्ता में रहने वाली जनता उन्हें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी शक्ति की रक्षा के लिए सबसे अच्छा भागीदार मानती है। अभियान के दौरान संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस दोनों ने कहा कि वे देश के ग्रामीण इलाकों में निहत्थे नागरिकों के साथ बलात्कार और लूट के लिए जिम्मेदार हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।